विधायक हैं जो बेंगलोर आए हुए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भोपाल के संपर्क में हैं या किसी के संपर्क में हैं। हम लोग किसी के संपर्क में नहीं हैं और सब स्वेच्छा के साथ यहाँ आए हुए हैं और सारे विधायक 22 विधायक करीब हैं और 23 दो और हमारे संपर्क में हैं। सारे लोग यहाँ अपने मंच से आए हैं और सारे लोग सिंधिया जी के साथ हैं। उनके निर्णय से खुश हैं कि जो देश हित में वो निर्णय ले रहे हैं, जो राष्ट्र हित में निर्णय ले रहे हैं, वो सोच समझकर ही ले रहे होंगे। और हमारे बहुत से साथी जो मैंने देखा एयरपोर्ट पर कि जो जयपुर गए हैं वो कह रहे हैं कि हम संपर्क में हैं, तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं ये भ्रम फैलाने वाली बात है। कोई किसी संपर्क में नहीं, सब खुश हैं। हाँ, जो लोग जयपुर गए हैं वो विधायक जरूर हम लोगों के संपर्क में है और वो कह रहा है कि हम लोगों को साथ क्यों नहीं ले गए, हम यहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं। आज हमारे सामने एक निर्णायक पल था और वो पल इसलिए था कि 2018 के जब चुनाव हुए तो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया वो चेहरा थे जिनके नाम पर हमको वोट मिला। जनता को पूरी आशा थी कि सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मध्यप्रदेश का विकास होगा। पर दुर्भाग्य की बात वो है कि जिन श्रीमंत सिंधिया जी के नाम पर हमको वोट मिला, जिन श्रीमंत सिंधिया के नाम पर हमको मध्यप्रदेश की जनता ने विश्वास दिया, दुर्भाग्य से पिछले 1.5 साल से, और वो श्रीमंत सिंधिया जी जिन्होंने मध्यप्रदेश में 1 नहीं 6-6 उपचुनाव जिताए पिछले 15 साल से, उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को स्थापित करने के लिए खून और पसीना बहाया। दुर्भाग्य से ऐसे श्रीमंत सिंधिया जी को किनारे किया जा रहा था, उनको राजनीतिक रूप से उनके वर्चस्व को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था। और यहां तक स्थिति कि अगर उन्होंने जनता के सामने यह बात कही कि अगर हमारा वचन पत्र लागू नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उतरेंगे, कोई गलत बात नहीं थी। एक कांग्रेस के नेता होने के नाते उन्होंने जो मध्यप्रदेश की जनता से वायदा किया था उस वायदा को पूरा करने के लिए उनका वो संकल्प था। और अगर मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि अगर उतरना है तो उतर जाए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक कोई बात हो नहीं सकती। आज जो हमने निर्णय लिया है पूरे अपने मन से लिया है, बिना किसी दबाव के लिया है और अंतिम सांस तक श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रहेंगे, भागे और रहेंगे। पिछले 1.25 साल में श्रीमंत सिंधिया जी जिनके बदौलत प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी, ग्वालियर अंचल में 34 सीटों में से 27 सीटें कांग्रेस के खाते में आई, सरकार बनाने में श्रीमंत सिंधिया जी का बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन 1.25 सालों में जिस व्यक्ति ने कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना तन मन सब लगा दिया दांव पर, उस व्यक्ति की उपेक्षा करने का काम किया गया, उसका अपमान करने का काम किया गया। निश्चित तौर पर सिंधिया जी हमारे नेता हैं और जिनके आशीर्वाद से मुझे 3 बार टिकट मिला, 2008, 2013 और 2018। आज विधायक हैं तो निश्चित तौर पर सिंधिया जी का बहुत बड़ा योगदान आशीर्वाद हमारे साथ है। तो जिनके आशीर्वाद से 3 बार मुझे टिकट मिला, हमारा नैतिक दायित्व है कि हम हर फैसले में सिंधिया जी साथ रहें। सिंधिया जी जो भी निर्णय करेंगे उस निर्णय में हम सब उनके साथ हैं और हम किसी दबाव में नहीं है। हमारी नेता सिंधिया जी है, सिंधिया जी का निर्णय हम सबके लिए अंतिम निर्णय है। निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सिंधिया जी नेतृत्व में इस प्रदेश की प्रगति विकास के लिए, ग्वालियर जिले की प्रगति विकास के लिए जो हमारी अपेक्षा है जनता की वो पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन हम सब मैं श्रीमंत बारा ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ हूँ, वो हमारे नेता है और आज मेरी जो हैसियत है जतपाल सिंह जज जी की वो श्रीमंत बारा ज्योतिराज सिंधिया जी की वजह से, और जहां सिंधिया जी हैं वहां मैं हूं। विधायक की बहुत छोटी चीज है सिंधिया जी के लिए, हमें ये मौका मिला है उनके लिए त्याग पत्र देने का, उस हमें अपना सौभाग्य समझता हूं। मैं कांग्रेस का विधायक हूं पौरी 24 से, सुरेश धाकड़ राठखेड़ा लिखता हूं। मैं सरमंत महाराज साहब का सेवक था, हूं और हमेशा रहूंगा। साथियों, तो जो लोग हमसे कह रहे हैं दबाव में इस्तीफा दिया, हम कोई के दबाव में नहीं है, हमने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया और ये सही है
कम से कम महाराज साहब के साथ हमेशा थे और रहेंगे। ये सरकार क्यों गिर रही उसका कारण है, सरमंत महाराज साहब के नाम पर ये सरकार मध्य प्रदेश में आई थी। हम जब भी सीएम से मिलने गए तो हमको एक ही शब्द मिलता था, चलो 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 24 घंटा तो चलो चलो, ये सरकार नहीं चलती, ये सरकार जी गिर गई। हम सरमंत के साथ थे, हैं, रहेंगे, हम पे कोई दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से आए हैं और यहां करने अपने आए। पिछले एक साल से जिस तरह से मध्य प्रदेश में सिंधिया जी के नेतृत्व में युवा चेहरा लेकर सरकार बनाई थी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, पिछले एक साल से जिस तरह से सिंधिया जी को परेशान किया जा रहा था, उनकी उपेक्षा की जा रही थी, हम उससे आहत थे और इस वजह से हम अपनी स्वेच्छा से सिंधिया जी के साथ हैं, तो सिंधिया जी के साथ रहेंगे, जहां वो हैं वहीं हम रहेंगे, न किसी के दबाव में है, न हम किसी को हमको रोका है, हम सिंधिया जी के साथ हैं। जो लोग मीडिया में अफवाह फैला रहे हैं वो गलत है, मीडिया की बात नहीं मानी जाए, हम सिंधिया जी के हमेशा साथ थे, हैं और रहेंगे। मंत्री परम सद्य ज्योतिराय सिंधिया जी ने जो निर्णय लिया है वो किसी भी पार्टी में, चाहे बीजेपी में जाएंगे तो यहाँ 22 के 22 विधायक सब एक साथ हैं और सब स्वेच्छा से आए हैं, किसी के दबाव में नहीं है, कोई किसी के संपर्क में। सिंधिया जी जो निर्णय करेंगे उनके हर निर्णय में पूरे 22 विधायक उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। मैं ब्रजेंद्र सिंह यादव विधायक मुंगावली से, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मीडिया में अफवाह चल रही है कि कांग्रेस के विधायक जो 22 विधायक हैं वो कांग्रेस के मंत्रियों के संपर्क में हैं, विधायकों के संपर्क में हैं, ये बिल्कुल उनका कहना गलत है। हम लोग श्रीमंत सिंधिया जी के साथ हैं, हम 22 के 22 विधायक एक साथ हैं, हम लोगों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है और आज भी हम कहना चाहते हैं कि जहां हमारे नेता का अपमान होगा वहां हम उस पार्टी में नहीं रह सकते, हम अपने नेता के साथ हैं। नहीं उनका तो हो गया, नेता ज्योतिराज सिंधिया के साथ, आज भी ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ हूं, आगे भी ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ रहूंगा और जो हम लोगों ने 22 लोगों ने इस्तीफा दिए सबने अपनी अपनी स्वेच्छा से रिजाइन किया।